वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब फ़खर लेने गया हुआ है हमारे सेटअप के लिए नया इजाफा। तो फ़खर मुझे बता के तो नहीं गया, मगर मुझे शक पड़ता है कि जैसे कंजुल ईमान को अपने साथ लेके गया है ना, तो कुछ ना कुछ यकीनन लेके जाएगा। और अब उसे पता है कि ये मुझे नहीं पता, मगर आपको पता है माओं को सब पता ही होता है। तो अब देखते हैं क्या लेके आता है। क्या लेके आ गए माशाल्लाह, दिखाओ तो सही। क्या लेके आए हैं? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। मुर्गियां देखें, यही मुर्गियां भी बहुत प्यारी हैं। मेरा छोटा साइज देखो, कितना छोटा है साइज, छोटा है बहुत, बहुत ही छोटा साइज है इनका। और ये फुल एडल्ट है। हाँ, अंडे देती हैं, अंडे दे रही हैं। वो क्या बता रहे थे, ब्रीडर है? हाँ जी, ब्रीडर है। अच्छा माशाल्लाह। चलो अभी इनके इनको जरा रिलैक्स होने देते हैं। ये दूसरे परिंदों को देखेंगी, दाना पानी खाएंगी और फिर जरा थोड़ा सा ना सही हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है ये तो। कोई ये तो कबूतर की तरह ही है, लग रही है ना। मुर्गा चला। हाँ वो देखो मुर्गा माशाल्लाह। मगर साइज कितना छोटा है ये, बहुत ही छोटा साइज है इनका। देखे पीछे इनका जैसे ताज है ना, ये पीछे है इनके, ये इनका दोम जो है इसकी, वो गई। ये देखें वो मुर्गा भी चला गया। ये देखें, ये बहुत ही ज्यादा छोटा, जीरो साइज नहीं है वो, जैसे जैसे कबूतर है ना, कबूतर का साइज है। और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल, बहुत ही प्यारे माशाल्लाह। अब ये देखते हैं कि ये वाला मुर्गा अजान देता है कि नहीं। है तो इसका बहुत छोटा साइज। और मैं सोच रही हूँ इनके अंडे कितने छोटे साइज के होंगे, इतनी छोटी छोटी हैं ये। ये हमारा ना बेबी, छोटा अभी बच्चा है। और वो देखें, वो देखो, वो बड़ी लग रही है इससे ना, बड़ी लग रही है। ये बेबी की फीमेल है तो माशाल्लाह, ये हैवी बफ है ना, तो इसका साइज बड़ा है। और वो फुल एडल्ट है। और वो देखो, वो कोई काम नहीं है। वो कहती, बेबी कहता है हम रोब जमा लें, मगर वो कहती हम काम नहीं है कोई। सारे मिक्सअप हो गए हैं। ये देखें हमारे बर्ड्स माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कल बतखियों को भी नहलाया था, तो आज मैं दिखाती हूँ कितनी साफ़ सुथरी लग रही हैं ये बतखियाँ। या ग्योनाफॉल जो है ना, बस मुसलसल शोर, बस शोर शोर आवाज़, तो इसकी बंद ही नहीं होती ना। अपना सारा झुंड लेके चलती है, ये नहीं कि ये अलग चलती है, पूरा अपना झुंड लेके पूरी मुसलसल आवाज़ के साथ। जैसे कोई ना, हमने ना वो चौकीदार नहीं रखा होता, ऐसे है ये। किसी को इधर उधर नहीं होने देती, सब इकट्ठे चलते हैं। और मैं आपको अपनी बतखी दिखा रही थी, वो दिखाती हूँ। आओ जी, फकर पकड़ो जरा बेटा, मेरे हाथ में नहीं आने लगी। फकर बतखी पकड़ो, बतखी पकड़ो जरा। ये देखें, ये कितनी ज्यादा साफ सुथरी, नीट क्लीन लग रही है। कल इतनी मैली थी ना, शैम्पू से नहीं लाया है, तो अब देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत हो गई है। और माशाल्लाह साइज बड़ा हो गया इसका। ये सारी अपनी चोंच गंदी की हुई है इसने। चलो ये मैंने पकड़ना अम्मा। चलो ये देखो, ये तीन तीन बैठे हुए एक जाली के ऊपर, हालांकि दूसरी तरफ भी जाली लगी हुई है, मगर वहाँ नहीं बैठ रहे। एक तो वो देखो, उसने वो एक को दबाया हुआ है, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही। इसका मुंह कहाँ है? इसका मुंह नीचे है। उठ उठ उठ, इसको तो दबाया हुआ है। उठ उठ उठ, अंडे खराब करने हैं। मैं निकालती हूँ इसको, ऊपर से उठाती हूँ इसको। उठाइए ब्राउन वाले को, मेरा बाजू ही अटक जाता है। उठ उठ उठ, हाय हाय, उठ उठ। चलो ये देखें जी, वो बेचारी, वो बेचारी ऐसे बैठी हुई है नीचे, हैं? अब नहीं, कहीं से बेचारी थोड़ी सी नजर आई है, अंडों के ऊपर बैठी हुई है, तो उसको मारना है इसने जान से। ये दोनों बाहर आ जाए हुए हैं और इनके बच्चे अंदर होंगे, तो बच्चे मैं देखूं? देख नहीं, चले देखती हूँ कितने बड़े हुए हैं। वैसे कहते हैं कि इतने ज़्यादा देखने भी नहीं चाहिए, मैं देखती हूँ। बिस्मिल्लाह, कहाँ है? ओ चुप से बैठे हुए, एक नज़र आ रहा है मुझे, नहीं दूसरा भी है। वो देखें दोनों बच्चे माशाल्लाह। फखर वो ब्राउन को पकड़ के लाओ, मेरा ख्याल है उसके ना वो
नए नए पार निकल रहे हैं और वो जो बेबी है ना उसे मारता है पार, उसके खींचता है तो उसके सारा ज़ख्म किया हुआ है इतना ज़्यादा। मैं डर रही हूँ आज इनको ना कि इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने अभी सोचा है कि इसको मैं बच्चियों के पिंजरे में बंद करूँगी, क्योंकि बच्चियों का मुँह बड़े होते हैं वो पर खींच नहीं सकती। दिखाओ फकर से ला के मुझे, है ना, लग रहा है ना, लग रहा है ना ज़ख्म इसका, मेरा दिखाओ ज़रा इसको कितने ज़ख्म किए हुए हैं। ये देखें ये टांग पे ऊपर, ये सारे, ये देखें ये नीचे सारे, ये ब्राउन ब्राउन, ये नए नए पार निकल रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है इसके पार खाते होंगे। ये बड़ी हैं, हाय हाय, ये देखो ये ऊपर भी हैं। ये अगर इनको पार खाने की आदत हो जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है, गंजा कर देते हैं ये पार खाते करते। ये बड़ी गंदी आदत है। ओहो फकर ने ये देखो चोंच के ऊपर भी, चोंच पे भी देखें मारा हुआ है। चलो हमने ये गर्दन पे भी है आज हमने इसको देख लिया है, तो अब ना इसको बतखियों के पिंजरे में। परिंदे हमारी जिम्मेदारी है, हमने ही केयर करनी है और अल्लाह को हमने जवाब भी देना है इनके बारे में, तो इसलिए इनका ख्याल करना चाहिए। सिर्फ ये हम पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर शेयर करें अपने पेट्स लवर दोस्तों के साथ, और ये देखें कि मैं अपना कितना ज़्यादा टाइम निकाल के आप लोगों की पसंद के लिए, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ पेट्स की। तो प्लीज़ जो इनको पेट्स पसंद हैं और जो बहुत ज़्यादा इनको लाइक करते हैं तो उनके साथ शेयर किया कीजिए, और मेरी वीडियो को देखना और ज़रूर लाइक ज़रूर करना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।